नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। आइए डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। एक ही जगह न रह पावे, ठीक है। मेहरारू आवत ही जाती है, बहुत ये दिक्कत होती है। 220 मीटर में जब मार्केट से बाहर जा रहे हैं तो ग्रामीण अंचलों में पहुँच जा रहे हैं, और ग्रामीण अंचलों में उसका दुष्प्रभाव तो पड़ेगा ही। यह हम लोगों के साथ बहुत बड़ा ही कुठाराघात हुआ है। हम लोगों ने लाइसेंस फीस पहले जमा कर रखा था, अगर इसकी जानकारी पहले रही होती रिन्यूअल करवाने से पूर्व, तो हो सकता है हम लोग सोच विचार करके इसका नवीनीकरण कराते। व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित करने के लिए भी अधीनस्थों को निर्देशित किया गया है। जो शासन के निर्देश हैं, मानक हैं कि निर्धारित दूरी है, उसके अनुपालन करते हुए ही कोई भी शराब की दुकान शिफ्टिंग या व्यवस्थापन की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईवे से 500 मीटर दूर शराब ठेका करने के आदेश के बाद ठेकेदार आबादी क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं, जिसका खुलकर विरोध हो रहा है। कई दुकान में तोड़फोड़ की जा रही चुकी है। ऐसे में जिले के एक ठेकेदार ने शराब बेचने का नायाब तरीका ढूंढ निकाला है। अब वह मोबाइल वैन के माध्यम से शराब बेच रहा है, तो कोई बोरे में रखकर तो कोई चटाई पर। जब सीआईबी इंडिया न्यूज़ की टीम मौके पर पहुंची तो महिलाओं ने शराब बिक्री का विरोध किया। ग्रामीणों के विरोध के बाद शराब विक्रेताओं में भय का माहौल है, इसलिए वह नया नया तरीका निकाल रहे हैं। कोई मोबाइल वैन से शराब बेच रहा है, तो कोई चटाई पर, तो कोई बोरे में रखकर बेच रहा है। बता दें कि आबादी के आसपास शराब की बिक्री को लेकर लगातार आंदोलन हो रहे हैं। महिलाओं ने गुरुवार की सुबह मुबारकपुर थाना क्षेत्र के गुलौर में एक दुकान के भवन तक को ध्वस्त कर दिया। इसी तरह एक दुकान रानी की सराय थाना क्षेत्र के सम्मोपुर गांव में खोली गई। ग्रामीणों ने विरोध कर दुकान बंद करा दिए। विरोध से बचने के लिए ठेकेदार ने सम्मोपुर गांव के मोबाइल वैन में शराब बेचना शुरू कर दिया। इसकी जानकारी जब ग्रामीणों को हुई तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। लोग विरोध प्रदर्शन शुरू करते से पहले ही मामले की जानकारी रानी की सराय थानाध्यक्ष सरदा सिंह को हो गई और वे फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गई। पुलिस देख शराब खरीद रहे लोग में हड़कंप मच गया और वे भाग खड़े हुए। थानाध्यक्ष ने जब वैन में शराब बेचने का विरोध किया तो ठेकेदार ने आबकारी अधिकारी का पत्र दिखा दिया, जिसे 15 दिन स्थायी रूप से दुकान लगाने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद पुलिस चुपचाप लौट आई। वहीं महिलाओं व सामाजिक संगठनों का कहना है कि शराब ठेके से ग्रामीणों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। वहीं शराब ठेकेदार महिलाओं के विरोध से काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना है कि सरकार शराब ठेका को बंद कर दे, क्योंकि लाइसेंस के बाद भी उन्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं जिलाधिकारी का कहना है कि सरकार के आदेश का पालन किया जा रहा है। जो बच्चे उससे दूर रहें, हो सकता है वो भी नदी पहुंच जाएं। इससे समाज में बड़ा गलत संदेश जाएगा और माहौल ख़राब होगा। नहीं, ये तो गलत है। जिस तरीके से उन्होंने ठेका लिया, पैसा लगाया है, तो सरकार को उसको कहीं ना कहीं व्यवस्था करना चाहिए। क्योंकि अगर कोर्ट ने इस तरीके का फैसला किया है तो कोर्ट के खिलाफ सरकार को खड़ा होना चाहिए कि हम इस जब तक हम लाइसेंस इनको जारी किए हैं तब तक आप इधर रहने दीजिए। जब हम लाइसेंस नहीं दे पाएंगे, आपके आदेश का पालन तब हो पाएगा। इस पर दोनों लोग विचार। आदेश तो कोर्ट तो बड़ी चीज़ है, उसके आदेश का पालन तो होगा, लेकिन एक निवेदन सरकार को करना चाहिए इनकी तरफ से। क्योंकि शराब एक ऐसी चीज़ है कि आय का बहुत बड़ा स्रोत है। इस सरकार में इनका सरकार का बजट बहुत बड़ा ही लाते हैं, जिससे मैं जानता हूं कि शिक्षा विभाग की पूरी तनख्वाह दी जाती है और लोगों की तनख्वाह दी जाती है। अगर इसको समाप्त कर देंगे तो इसकी आय भी बहुत कम हो जाएगी। लेकिन आज सरकार के मद में हम लोग पैसा भी दे चुके हैं और आज हम लोग रोड से हट करके खेत खलिहान में अपना व्यापार कर रहे हैं। अब जो भी प्रेजेंट टाइम में जो भी व्यवस्था बनी है, किसी तरीके से हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। अब धूप में सेल्समैन सब बेचारे कैसे रहेंगे, टीना टप्पर डाल करके किसी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत दिक्कतें हैं, तो दिक्कतें तो इतनी हो रही हैं जिसका हम लोग वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। आजमगढ़ में लगभग 150 ऐसे दुकानें चिन्हित की गई थी, जिसमें वो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के क्रम में 500 मीटर दूर उनको शिफ्ट करने का निर्देश था। उसमें काफ़ी दुकानें सफलतापूर्वक शिफ्ट करने के लिए निर्देशित किया गया है, और जहाँ जहाँ जनता का विरोध है अथवा जहाँ जहाँ ऐसे विवादित जगह है, तो वहाँ SDMs और पुलिस अधीक्षकों उपाधीक्षकों को निर्देशित किया गया है। वो स्वयं जगह देखेंगे, चिन्हित करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आबादी हो और विद्यालय हो, मंदिर, मस्जिद, इन सब इकाइयों से निर्धारित दूरी के बाद ही शराब की दुकानों को चिन्हित करके खोला जाएगा। तो शराब की दुकान खोलने में जल्दीबाजी ना करने के लिए आबकारी विभाग को निर्देशित किया गया है। कानून व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित करने के लिए भी अधीनस्थों को निर्देशित किया गया है। जो शासन के निर्देश हैं, मानक हैं कि निर्धारित दूरी है, उसके अनुपालन करते हुए ही कोई भी शराब की दुकान शिफ्टिंग या व्यवस्थापन की जाएगी।